स्पेशल डे है, बहुत अच्छा दिन है, और वो है आज मेरे मम्मी पापा का एनिवर्सरी। शादी साल गिरा है, कितना साल है माँ? 26वीं साल है ये मेरे मम्मी पापा का। शादी साल गिरा है, देखिए कितना प्यारा, मतलब सजावट भी हुआ है, और मेरे मम्मी पापा देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं, मेरे पापा कितने हैंडसम लग रहे हैं, और उनके बच्चे लोग इतने बड़े बड़े हो गए। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, देखिए इन दोनों के बच्चे हमारे मम्मी पापा के बच्चे, बड़ी ये है, आओ भाई, सबसे बड़ी ये है हमारी बड़ी बेटी और मम्मी की बड़ी बेटी, और उसके बाद से दूसरी नंबर वाली ये है, और तीसरी नंबर को तो आप लोग जानते ही हैं मैं हूँ। छोटी नंबर वाली कहाँ है भाई? और छोटी नंबर वाली ये है जो बड़ी खूबसूरत है भाई, शर्मीली भी है, खूबसूरती भी है, इसके बाद शर्मीली भी है बहुत ज्यादा। तो और ये मेरा लाडला कुत्ता भाई, ये है सबसे छोटा हमारा भाई। देखिए ये रही हमारी पूरी फैमिली, तो कैसी लगी हमारी पूरी फैमिली कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे मम्मी पापा कैसे लग रहे हैं। इन लोग का इतना आशीर्वाद दीजिए कि इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लड़ते रहे। बहुत हमारे मम्मी पापा लड़ते हैं, पता है, एक सेकंड में लड़ाई होती है और एक सेकंड में मान जाते हैं, बस हाँ हाँ हाँ। सही लोग कहते हैं कि जिनमें ज्यादा लड़ाई होती है उनमें ही ज्यादा प्यार होता है, तो ये लड़ाई तुरंत तुरंत करते हैं, एक दिन में मतलब ना 10 बार लड़ाई हो जाती है और प्यार हो जाता है। तो हम लोग अब मम्मी पापा केक काटने जा रहे हैं, देखिए केक कितना प्यारा आया है, ये देखिए मेरे मम्मी पापा का नाम है एनिवर्सरी, और यहाँ पे ये है हमारी मौसी की लड़की। इनकी मम्मी गांव गई हुई है, ठीक है, यहाँ पे सब कोई गांव चला गया है, और ये गुड्डन आप लोग तो जानते ही है, जो अनीता शिवानी हमारी मौसी है, जिनके पास हम लोग रहते हैं, वो आज यहाँ पे नहीं है, वो गांव गई हैं शूट के लिए। मतलब मेरी तीनों मौसी, मामा, मामी, सब कोई गांव चला गया है शूट करने के लिए, हम लोग यहाँ पे हैं। तो बताइएगा कि हमारी फैमिली बहुत कम हो चुकी है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग आ जाइए हमारी फैमिली बढ़ाने के लिए। तो मैं आप लोग को पूरा ब्लॉग दिखाती हूँ, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो गाइस कैसे लग रही है हमारी फैमिली, ये हमारी पूरी बटालियन है, और बताइएगा इसमें मम्मी की बेटी कौन लग रही है, बताइए मैं लग रही हूँ ना मैं, क्योंकि देखिए मैं कलर मैच पहनी हूँ, मम्मी के कलर से बिल्कुल मैच हो रहा है, और भाई वो लोग तो अलग है भाई, नहीं वीडियो में भी नहीं छोड़ी, गाली दे रही है मुझे, बहुत बदतमीज हो गई है वो। ये बताया ही नहीं कि मतलब मेरे मम्मी पापा का ये 26वां साल एनिवर्सरी कैसे मनाया, पता है मेरे पापा घर पे नहीं रहते हैं, ये विदेश रहते हैं, और किसी भी एनिवर्सरी पे मेरे पापा घर पे नहीं रहते थे, इसीलिए मम्मी नहीं मनाती थी, बोलती थी कि जब तक मेरे पापा नहीं घर पे रहेंगे तब तक एनिवर्सरी नहीं मनेगा। तो मम्मी क्या करती थी, मिठाई मंगवाती थी, बांट देती थी, खाना बनाती थी, खिला देती थी, हम लोग सोचते थे पापा रहते तो एनिवर्सरी मनता, लेकिन नहीं मनता था। लेकिन इस साल बहुत मतलब ना 26वां साल में मेरे पापा यहाँ पे, वो भी दिल्ली में, गांव पे भी नहीं है, दिल्ली में है, और यहाँ पे पहली बार मेरे मम्मी पापा का एनिवर्सरी बन रहा है, तो हम लोग बहुत खुश है, बहुत ज्यादा मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए एंजॉय करने के लिए, और बहुत अच्छे से देखिए मेरे मम्मी पापा कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं ना, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अरे मौसा का निकलू कका, हाँ। तो गाइस फाइनली मम्मी पे जा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को, बताइए कैसा लग रहा है मेरी मम्मी पापा की जोड़ी, कैसी लग रही है? निकाल लाओ ही में से सब भरा दो, हो गया तो हां, कंडल निकाल निकाल कौन से भरा दो, आगे तो ना नानी खोल दे, अच्छा लग रही, उठा के ले जा, भगा के ले जा, चुरा के ले जा यार, आज हम लोग पापा के साथ बराती आए हैं मम्मी के घर। देखा
हरा के खुश दिन औ बड़का वाला धारावाहिक 20 26 पापा 26 धारा दो पापा बुढ़ावा 26 धारा दो बुढ़ावा कौन उठा के ले जा भगा के ले जा चुरा के ले जा यार मैं को अब नहीं जीना हम तुमसे हो गया उठा के ले जा भगा के ले जा चुरा के ले जा यार मैं ध्यान यही हटा दीजिए यहाँ के अंदर हैप्पी एनिवर्सरी पापा जी हैप्पी एनिवर्सरी मॉम बस मेरे मौसा ही बचे देखिए सारी मौसी भाग गई है गाँव अंकु बेटा मोटर पापा मोटर झिल्ली है तक हुआ ना अरे मोटर खिलाओ मामा यार मैं कुंतल दे के तो आप अपने काय का मार दला सान वो छोड़ दो अब्बा मोटर बाल के लिए सारा निकाले का पड़े गलती हो गई कम कम मम्मी के मुंह में पोतना मत पापा हैप्पी एनिवर्सरी दे पहुंच गया मां ओए मां हैप्पी एनिवर्सरी मौसा हैप्पी एनिवर्सरी मौसा एक गुब्बारा फोड़ दो अरे एप्पल निकाल नटाई में गोड़ा ये देखिए सारा चटपट हो गया अरे ये मेरा बकरा है ये देखिए आधा मुझे गुलाब जामुन मिला है कहाँ का बेईमानी है ये कोने में लेके बैठी हुई है दोनों कोने में लेके बैठी हुई है कोने में नहीं है सच बताओ तो मैं ज्यादा केक नहीं खाती हूँ मैं थोड़ा सा बस मम्मी के सामने ही खाई उतना ही खाई हूँ और आधा गुलाब जामुन नहीं ये भाग खाती है आप लोग के सामने सबूत खड़ा खुद तो पार्टी बहुत अच्छे से रही मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पार्टी तो बाकी है डांस होगा खाने वाली डांस वाली तनी डीजे बजाओ भाई हां पहले खाना दिवा हम रखे वो भूखड़ को भूख लग गया है तो हमारा पार्टी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अभी डिनर होने जा रहा है वो भी दिखाऊंगी और सच बताऊं तो पता है डिनर में क्या बना है चिकन बना है पुलाव बना है और पूरी बना है पूरी नहीं बना है झूठ की बोल रही है मैं डिनर बनाई हूँ और ये बोल रही है पूरी बना है मैं बस पुलाव और चिकन सलाद बनाई हूँ तो अब होने जा रहा है डिनर तो आपको भी खाना है तो आप लोग भी आ जाइए क्या सिखा रही है तू मुझे ये देखिए क्या क्या बोले थे पनीर बोल देना झूठी
बोले झूठ बोलना मुझसे, इसको झूठ बोलने में अच्छा लग रहा है। तो अब जा रहे हैं डिनर करने के लिए, भूखड़ तो केक खा के आ गई पूरा। ओहो, कालू लग रही है, कालू।